हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि 29 जनवरी 2017 को हुई थी, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पिछले बार एसएससी में पूछे गए हैं। उसी बेस पर हम लोग देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी टॉपिक को हमें ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारे सारे सिलेबस कवर हो जाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड जो है समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी। तो नेशनल हेराल्ड पेपर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है ये, यानी दैट मीन्स आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। तो समाचार पत्र जो नेशनल हेराल्ड है वो जवाहरलाल नेहरू की है। सेकेंड क्वेश्चन, मेघासनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो मेघासनीज जो है क्या था, पहला था आक्रमणकारी या फिर राजदूत, पुजारी या फिर मंत्री था। तो मेघासनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, दैट मीन्स राजदूत। क्वेश्चन थर्ड, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई है और उन्होंने पार्शियन कहाँ सीखी थी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पार्शियन कहाँ सीखी थी? लाहौर में, अमृतसर में, पटना में या फिर आनंदपुरी साहिब में। तो सिखों के जो 10वें गुरु और अंतिम जो गुरु रहे वो गुरु गोविंद सिंह ही हैं। उनका जन्म पटना में ही हुआ था और जन्म के पश्चात वो पटना में 4 वर्ष तक रहे। उसके बाद 1670 में उनका जो पूरा परिवार है पंजाब वापस लौट गया। तो उनका जो बात किया शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो आनंदपुरी साहिब में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फोर्थ, अमजद अली खान को, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी अमजद अली खान, ये क्वेश्चन है वाद्य यंत्र और वादक से। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, इससे भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से वादक वाद्य यंत्र कौन बजाता है। तो ये वाद्य यंत्र और वादक से क्वेश्चन आए हैं ये। तो अमजद अली खान जो कि वादक है पूछ रहा है कौन से वाद्य बजाते हैं ये, तो सरोद, सारंगी, सितार या फिर तबला। तो अमजद अली खान की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सरोद। तो अमजद अली खान जो है सरोद वादक है, अमजद अली खान सरोद वादक है ये। सितार वादक है पंडित रविशंकर जी, सितार वादक जो है पंडित रविशंकर जी है, और तबला वादक जो है जाकिर हुसैन है। सारंगी वादक कौन है, तो उस्ताद बिंदु खां जी सारंगी वादक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 4 का ए। अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी, अबेकस की खोज जो है इस दौरान की गई थी, यानी शाम सप्तकांड, ईरानी सभ्यता काल या ग्रीक सभ्यता या रोमन सभ्यता काल। तो रोमन सभ्यता काल, तो पांचवा का जो आंसर होगा ग्रीक सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और चाइना। यहाँ पे 6 होगा आंसर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है? कोरम मतलब होता है कार्रवाई शुरू करने के लिए मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मिनिमम कोरम होना चाहिए 1/10, दैट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, साप्ताहिक पत्रिका सारली आब्दो कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो साप्ताहिक पत्रिकाएं जो होती हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टडी का पार्ट है ये। सारली आब्दो कहाँ से प्रकाशित किया गया, लंदन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से या फिर बर्लिन से? तो सारली आब्दो जो है ये फ्रांस की साप्ताहिक पत्रिका है, फ्रांस की साप्ताहिक पत्रिका है जो कि छपती थी पेरिस से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये साइंस का क्वेश्चन है, H1N1 क्या होता है? तो H1N1 एक क्या है,
विषाणु है या फिर जीवाणु है या फिर कवक है या फिर कारण पता नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ए, दैट मीन्स ये विषाणु है। H1N1 जो होता है एक विषाणु है, और ये स्वाइन फ्लू का वायरस है। किसका वायरस? तो स्वाइन फ्लू का वायरस है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। यहाँ जाना माना साहित्य समारोह होता है, कहाँ पे साहित्य समारोह होता है? जयपुर या फिर वाराणसी या फिर उदयपुर या दिल्ली। तो जयपुर जो होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जयपुर में साहित्य उत्सव जो होता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, सबसे प्रसिद्ध उत्सव यहाँ पे हुआ था। 2006 से ही इसकी शुरुआत हुई है और जनवरी महीने में यहाँ पे उत्सव किए जाते हैं जो साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का क्या प्रतीक है? मृत्यु का है या फिर पहला उपदेश का है या फिर जन्म का है या फिर गृह त्याग है? तो बुद्ध में पूछ रहा है स्तूप का क्या प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा, तो 11 जो है ये स्तूप जो होता है वो इस मृत्यु का प्रतीक है। दैट मीन्स ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो होगा ये मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक था पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो गुप्त गुप्त का जो था वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने? तो महा सम्राट अकबर ने, यानी 13 का डी, सम्राट अकबर ने इसको बाहर किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? ऑप्शन है 7, 9, 100 और 24। तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे। आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? 15 का जो आंसर होगा तो वो आंसर क्या यहाँ दिया हुआ है? कोचीन थी या फिर मद्रास थी या फिर मुंबई थी या फिर पटना थी? तो आंसर जो करेक्ट होगा दैट मीन्स ए, यानी कोचीन थी। बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लैम्डा में, यानी बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा का परास क्या है? पहला है ऑप्शन 450 से 500, 380 से 450, 500 से 570 या 620 से 780। यह करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 380 से 450 जो होगा बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होगा। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होगा? तो किसी रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता है, उत्तल लेंस की आवश्यकता है, प्रकाशिक तंतु की या प्रिज्म की? तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता होती है। उसके इंटरनल भाग की जांच करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता होती है, जिससे कि लाइट को उसके अंदर प्रवेश करवा करके उसकी जांच की जाती है कि इंटरनल बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 18 है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 21 जून को, 22 सितंबर को, 25 दिसंबर को या 10 जनवरी को? यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो 22 दिसंबर। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R है, तो उसके बीच क्या रिश्ता होता है? दो बिंदुओं के आवेश के बीच की दूरी, तो आवेश जो होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1929 में या फिर 17 में या फिर 1857 में या फिर 1946 में? तो करेक्ट आंसर होगा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जो है 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल है, पलाश है, गेंदा है या फिर गुलाब है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो होगा पलाश है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। जो 583 और 293 से संबंध है, वही 488 से किसका संबंध है? जो 593
583 से 293 का जो संबंध है, हम देखेंगे कि 5 से 2 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है और 3 का 3 है, यानी 5 में -2, 3 किए, उसके बाद 8 में 1 ऐड किया और 3 को 3 छोड़ दिया। तो वैसे ही सेम 4 में -3 करेंगे तो 1 होगा, और 8 में +1 करेंगे तो 9 होगा, 1 9, और 8 को वैसे ही छोड़ेंगे, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? पानीपत, लुधियाना, कानपुर या फिर आगरा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी, कानपुर में। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो प्राकृतिक रेशम की ऑप्शन नंबर A2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो बी, यानी 4 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली किस्म होती है मलबरी, दूसरी किस्म होती है इरी, तीसरी किस्म होती है तसर और चौथी किस्म होती है मूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? लुधियाना में, रोहतक में, अमृतसर में या फिर दिल्ली में? तो जालियांवाला बाग जो है ये सिचुएटेड है अमृतसर में, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में भीषण नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति है? इरुल्स, चांग, गारोस या फिर खोल्ड? तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो मुख्य जनजाति जो है इरुल्स है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार में, उड़ीसा में, नागालैंड में या फिर अंडमान में? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे, 27 के बाद 28, भारत की सर्वप्रथम वन्य संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? गिर है, टाइगर है, राइनो है या फिर हांगुल है? तो वन्य जीव संरक्षण परियोजना भारत की जो पहली थी उसमें प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ये 1973 में लाया गया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। नीति आयोग का आरंभ कब हुआ था? नीति आयोग एस्टेब्लिश कब हुआ था? जनवरी 15 में या फिर जून 15 में या फिर जनवरी 16 में या फिर अगस्त 15 में? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, योजना आयोग के जगह पे, यानी प्लानिंग कमीशन की जगह पर योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? बाबा रामदेव, बाबा आमटे, बाबा विनोबा भावे या फिर अन्ना हजारे? तो ऑप्शन है बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे या फिर अन्ना हजारे। तो पवनार आश्रम के संस्थापक जो हैं विनोबा भावे जी हैं। पवनार आश्रम कौन संस्थापक है? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, यानी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की अधिकार जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू और अंग्रेजी, तो उर्दू हो गया, अंग्रेजी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जापानी संसद का नाम क्या है? ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, कंट्री और पार्लियामेंट से, तो आप याद कर लेंगे, कंट्री और पार्लियामेंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन जो है जापानी संसद का कोटेस्ट है या फिर डाइट है या फिर सेजीम है या फिर डेल है? तो जापानी संसद का नाम क्या है? तो जापानी संसद का नाम डाइट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, रियाल किस देश की मुद्रा है? रोमानिया की, पाकिस्तान की, सऊदी अरब की या फिर अंगोला की? तो रियाल जो मुद्रा है वो सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की रियाल होती है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, भारतीय झंडे के चक्र का रंग है नीला, लाल, केसरिया या फिर काला? तो ऑप्शन नंबर 34 में हम लोग देखेंगे तो नीला रंग, दैट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी भारतीय झंडे के चक्र का जो रंग होता है वो नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष ने या सत्यजीत रे ने? तो
राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 36। फर्स्ट चैत्र प्रायः पड़ता है, किस दिन को पड़ता है? 1 जनवरी को पड़ता है, 1 अप्रैल को, या 22 फरवरी को, या फिर 22 मार्च को पड़ता है? तो एक जो चैत्र का एक पहला चैत्र मास जो पड़ता है वो पड़ेगा आपको 22 मार्च को। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? गीता से, मुंडक उपनिषद से, रामायण से, या मनुस्मृति से? तो करेक्ट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखेंगे। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की परीक्षण यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य हुई थी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो उस समय बना था, तो इस तरह के करंट अफेयर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। तो उस समय जो हुआ था तो दिल्ली और आगरा के बीच चलाई गई थी, दिल्ली और आगरा के बीच का परीक्षण हुआ था। किसका उपनाम द वॉल है? किसका उपनाम जो है द वॉल है, यानी किस क्रिकेटर का, क्रिकेटर और उसके उपनाम भी पूछे जाते हैं, हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन रिमेम्बर करके रखना है, याद करके रखना है कि किसका है ये। शोएब अख्तर को कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है, या फिर राहुल द्रविड़ को कहा जाता है? तो द वॉल जो होता है ये राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो यहाँ पे डी, यानी राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, उसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, या फिर यूके में, या फिर ऑस्ट्रिया में, या फिर स्वीडन में? तो रेड क्रॉस जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में यानी जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है तिलक, बंकिम चंद चटर्जी, सरस चंद्र, या फिर टैगोर? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद चटर्जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? ये बुक है, बुक और राइटर्स क्वेश्चन है। द ओडिसी ऑफ होप, जी डब्ल्यू बूश, ये मनमोहन सिंह ने, या फिर ओबामा ने, या फिर बिल क्लिंटन ने? तो इसको लिखा है ओबामा ने, ओबामा ने लिखा है द ओडिसी ऑफ होप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 क्वेश्चंस। समय का वर्णन करते हुए शब्द एडी का अर्थ क्या है? जीसस की मृत्यु के पश्चात, एनी डोमिनियन, एज डार्क, या फिर आफ्टर होरियंस? तो इसका जो होगा प्रयोग किया जाता है तो एंडो एनी डोमिनियन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। शहीद दिवस, 44 क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को, 14 फरवरी को, 30 जनवरी को, या फिर 30 जून को? तो शहीद दिवस जो होता है वो हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या करी थी। तो इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, अपने मोबाइल फोन को ना पहुंचने वाले एक्सेस खोने का डर कहलाता है नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सिनोफोबिया, या फिर यूफोबिया? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, 45 क्वेश्चन का है तो ऑप्शन होगा नोमोफोबिया। 46 क्वेश्चन, सत्यजी रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या था? सत्यजी रे द्वारा प्रथम फिल्म थी अपराजितो, जालसधार, मारुलता, या फिर पाथेर पंचाली? तो पाथेर चंताली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पाथेर पंचाली सत्यजी रे के द्वारा निर्देशित फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर बिहार में? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है, यानी ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये बुक और राइटर से क्वेश्चन है, तो इसको रिमेम्बर कर लेना, इस तरह से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो ऑप्शन है विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्ण, विशाखा दत्त, या फिर वराह मिहिर? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, धन्वंतरी थे, या फिर भास्कर थे? तो धन्वंतरी जो है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक
चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, आईपीएल का आरंभ कब किया गया था? आईपीएल क्रिकेट जो होगा उसका प्रारंभ कब किया गया था? सन 2000 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2010 में? तो आईपीएल का प्रारंभ जो है वो किया गया था, कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वेल्स शहर कहाँ पे है? वेल्स शहर भारत में है या फिर ऑस्ट्रिया में है या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर अंगोला? तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पे वेल शहर ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है, मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का सामान्य आयाम क्या है? डायमेंशन इसका बताना है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऑप्शन है ए एल बाई टी, एल या फिर एल टी या एल टी टू होता है। इसका जो सही होगा वो एल होगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एस का जो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे डायमेंशन जो उसका हो जाएगा एल हो जाएगा। शाखीय भौतिकी के नियम इस कणों पर लागू होते हैं। शाखीय भौतिकी के नियम इस कणों पे लागू होते हैं। तो 53 क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए 10^-6 मीटर, 10^-7 मीटर, 8 मीटर या फिर 10^-4 मीटर। तो शाकीय भौतिकी के नियम 10^-6 मीटर से बड़ा होता है, जिनका आकार 10^-6 मीटर से बड़ा होता है उस पे ये नियम लागू होते हैं। 54 क्वेश्चन कहता है, किस पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, मेसोफाइल सेल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जड़ में, पत्ती में, तना में या फिर बीज में। तो मेसोफाइल जो है वो पत्तियों में पाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्वनि की गति वी और माध्यम का घनत्व तो रो के मध्य क्या संबंध है? तो ध्वनि की गति, साउंड ऑफ स्पीड वी और रो के बीच क्या संबंध है? रो क्या है? डेंसिटी है, घनत्व तो है। यहाँ पे तो 53 जो आंसर होगा तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे गुरु नानक जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन 56 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोचीन में, लाहौर में, तलवंडी में या फिर देहरादून में? तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि पंजाब में पड़ता है। 56 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, आफ्टर हम लोग देखेंगे 57 क्वेश्चन। नेक्स्ट 57 है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को किस देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को रंगून भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया, कालापानी भेज दिया या फिर नेपाल भेज दिया? तो उन्होंने रंगून भेज दिया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, वर्तमान में ये अंगून में है। 53 जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नेहरू ने, चेतन भगत ने, वॉरेन हॉस्टिंगसन ने या फिर विलियम जोन्स ने? तो इसका सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? माउंट बेटन थे, वेवल थे, इरविन थे या फिर मिंटो थे? तो इस लॉर्ड वेवल करेक्ट आंसर होगा, दैट मींस बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, कीटहारी। यूट्री कुलेरिया, सेक्सुइया जर्शिया, नास्टेक या फिर ब्रायोफाइटा? यहाँ पे जो है यूटी कुलेरिया प्रजाति जो है यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। अम्लीय वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसराल, ग्लिसराल और अमीनो अम्ल, ग्लिसराल और एल्कोहल? तो 61 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वसीय अम्ल और ग्लिसराल, वसीय अम्ल और ग्लिसराल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61 के बाद 62। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय आगे हुए। ऑप्शन नंबर 5.5 घंटे, 2.5 घंटे, 10.5 घंटे या फिर 1 घंटे। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ए, 5.5 घंटे। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पे है? एशिया में, और ओशियाना में, अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पे है? तो दुनिया का सबसे गीला स्थान जो है वो एशिया में सिचुएटेड है, सबसे आर्द्र एशिया। मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाले हैं, तो वहीं पे ये जगह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसो नॉर्मल, आइसो गोलन, आइसो बाथ या फिर आइसो हिप्स? तो मानचित्र में समान गहराइयों को जो जोड़ने वाली रेखा है वो आइसो बाथ कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। हरिकेन, टारनेडो, बोरा, साइक्लोन? तो बोरा एक ठंडी स्थानीय पवन है, बोरा जो है यहाँ पे करेक्ट स्थान होगा, जो मध्य यूरोप के साइड की पवन है। नेक्स्ट 64, यह नदी दिल्ली में है, सतलज, सरयू, गंगा या फिर यमुना? तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी यमुना। क्वेश्चन नंबर 67, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर अमेजन नदी में? 67 क्वेश्चन है, इरावदी नदी म्यांमार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? फियोर्ड, बटोल, रीफ या फिर लैगून? तो इसे हम लोग बोलते हैं फियोर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 69, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया या फिर होन्सू, ग्रीनलैंड या क्यूबा? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी, यानी ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यह एक संग्रहित फल है, सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या फिर लीची? तो सहतूत हो या फिर कटहल हो या फिर अनानास हो या फिर बरगद हो, अंजीर आदि सब जो है कंपोजिट फ्रूट यानी संग्रहित फल है, यानी ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती या फिर उसकी तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती? तो क्वेश्चन नंबर है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, दो अंकों एक्स और वाई का एच सी एफ और एल सी एम क्रमशः 4 और 48 है, तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 192, यानी इसमें हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी एक्स वाई बराबर 4 इंटू 48, तो आंसर हो जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन मैथ का ही है, दो भिन्नों के मसह यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम विषय में क्या सही है? यहाँ पे फार्मूला हमें बताना है कि क्या कौन सा करेक्ट होगा। तो एलसीएम, तो अंश जो होगा एलसीएम, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो बताना है कि दो भिन्नों के मसह और लसह विषय में क्या सही है, दो भिन्नों के मसह और दो भिन्नों के लसह में क्या अंतर होगा,
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा तो पहला, दूसरा या फिर सी या फिर डी। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है यानी ए, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 74 ऑप्शन हम लोग देखेंगे। 48, 108, 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 4 होगा या फिर 2 होगा? ये भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 74 का वो होगा 4 यानी सी। सेल्सियस में 5 डिग्री फॉरेनहाइट, जो फॉरेनहाइट 5 डिग्री फॉरेनहाइट सेल्सियस में क्या होगा? 5 डिग्री होगा या 15 डिग्री होगा या 58 या फिर -15 डिग्री हो गया। सेल्सियस में 5 डिग्री फॉरेनहाइट क्या होगा? इसको चेंज करने के लिए फार्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू हो जाएगा C/5। इसके लिए फार्मूला हो जाता है F-32/9 इक्वल टू C/5। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अगर इससे सॉल्व करने पे क्वेश्चन आंसर जो होगा वो -15 डिग्री आएगा, यानी डी ऑप्शन। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य यक्ष पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो यक्ष की वैल्यू क्या है? तो ये भी मैथ से ही क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं, तो टाइम लगेगा, मैं आंसर बता दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा यानी 16। क्वेश्चन नंबर 77, 7500 यानी 7500 प्लस 1250 बटा में 50 बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है, बी, सी या फिर डी। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन आएगा 7525, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन, 12^1/2 को सरल करना है यानी सॉल्व करना है कि 12^1/2 क्या होगा? तो 12^1/2 का मतलब होता है √12, और √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, तो 2 बाहर चला जाएगा तो हो सकता है √3, तो 2 × √3 यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, मैथ से ही है। एक अंक जिसमें 7 गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक अंक प्राप्त होता है। तो 79 का हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 5 यानी ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ से ही है। उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 28 वर्ष या फिर 30 वर्ष या फिर 32 वर्ष या फिर 34 वर्ष। तो 80 का अगर सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा 30 यानी बी। 21 क्वेश्चन है, ए और बी कार्य को समाप्त करने के हम करने में 4 दिन लेते हैं, ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो ये भी क्वेश्चन जो आंसर होगा वो 6 डेज होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 से लघुत्तम अंक है, यानी छोटा से छोटा अंक हमें बताना है। तो यहाँ पे जो होगा से लघुत्तम अंक क्या है? ये जो होगा लघुत्तम भिन्न 3/10 होगा, दैट मीन्स डी। स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर का जो है 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा? तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो 2 होगा, यानी स्पिन क्वांटम नंबर के 2 मान संभव होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का s 2 मान संभव होते हैं, +1/2 और -1/2। तो प्लस और -1/2 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84। 84 क्वेश्चन क्या कहता है? तो 84 क्वेश्चन जो है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र
MsPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? एक धातु के फास्फेट का सूत्र जो है MS4 है। MCl होगा, M2Cl2, MCl2 या फिर MCl3 होगा। इसके धातुओं का सूत्र जो होगा MCl2 होगा, क्लोराइड जो होगा। किसमें sp संकरित कार्बन है, sp हाइड्रोजन कार्बन किसमें है? तो CH4 में, CH2 में, या CHCH या फिर CH3CH3 में? तो CHCH यानी ऑप्शन नंबर सी में sp2 हाइड्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 86, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, या फिर नाभिकीय परिग्रहण अभिक्रिया पर, या फिर कृत्रिम त्वांतरणों पर? तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चाहे वो सूर्य की ऊर्जा हो, सनलाइट की ऊर्जा हो, वो भी नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर आयोडीन है? तो ऑक्सीकरण हमेशा वन होता है। तो फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है और इसका सर्वाधिक जो है वर्तमान एक होता है परमाणु, तो फ्लोरीन जो होगा इसका ऑक्सीकरण एक होता है। CO2 के एक मोल में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने परमाणु या फिर अणु होते हैं? ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, ए है या फिर बी ऑप्शन सही है, सी है या फिर डी है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल में 6 × 10⁻²³ परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 1/2 के मोल में भाषी सी होते हैं, यानी ऑप्शन सी ये डी करेक्ट है। यहाँ पे तो 6 × 10⁻³ कार्बन परमाणु होते हैं। N2+OT इक्वल टू यानी वर्सिबल रिएक्शन है 2NO। ऑप्शन नंबर Ke=FC, Ke=1/Kc, या Ke0=KcrT, या Kc=Kc/RT। 89 जो होगा वो Kc=KF, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 89 फिर 90। सिद्धांत डेल्टा पी डेल्टा फाई ग्रेटर इक्वल टू H/4π क्या कहलाता है? पाउली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चय का सिद्धांत, आबाऊ का सिद्धांत, या फिर अरहीनियस का सिद्धांत? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समायवी संभव है? तो 91 का जो होगा यहाँ पे 5 आंसर सही है, यानी सी नंबर करेक्ट होगा। 92, यदि दोनों जनकों को रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होते हैं। तो संभावित रुधिर वर्ग जो होता है A हो सकता है और B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है, यानी B ऑप्शन करेक्ट है, O नहीं हो सकता है। तो B ऑप्शन करेक्ट है, A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन को, वसा को, रुधिर प्रोटीन को, या पेशी प्रोटीन को? तो भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम किसका उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का, ऑप्शन नंबर ए। 94 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यह एक प्रोटीन नहीं है, यानी कौन सा प्रोटीन नहीं है? कोलेजन, इलास्टीन, रेशम, या फिर लिम्फोसाइट? तो लिम्फोसाइट एक एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, तो लिम्फोसाइट होती है। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, Na+, Ca-, Ca++ या फिर Cu? रुधिर प्लाज्मा में कौन सा उपस्थित नहीं है? तो Na+ या फिर Mg+2 या फिर SCO3 या फिर Cl- आदि पाए जाते हैं, ये सब जो है पाए जाते हैं। रंग हल्के जो होगा तो इसमें
करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका CU-, CU- इसमें नहीं पाए जाते हैं। 96, इसकी पोषण विधि हीलोफाइटिक है, अमीबा का, शेर का, यूग्लिना का या केचुआ का, जिसका पोषण हीलोफाइटिक से होता है। हीलोफाइटिक यानी 96 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यूग्लिना, यूग्लिना जो होती है यानी सी है, यूग्लिना स्वपोषी होता है, अर्थात यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है। तो यूग्लिना करेक्ट आंसर होगा। 97 ऑप्शन देखेंगे हम लोग, यह स्ट्राइड्स स्रावित होता है, मुख गुहा से, अमाशय से, अग्नाशय से या फिर पित्ताशय से। स्ट्राइड जो होता है किससे स्ट्राइड होता है, तो अग्नाशय जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ही होती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ये अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों एक साथ होती है। 98 क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइजोसोम है या फिर हरित लवक है। ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, विषाणु में, वायरस में क्या होते हैं, केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए दोनों, या तो आरएनए या फिर डीएनए। तो ऑप्शन होगा विषाणु में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक पायरा में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। तो एक पायरा में परिक्षिप्त जो कणों का परास है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 100 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 देखेंगे हम लोग, अगर किसी कोड में 134 अच्छी और स्वादिष्ट के लिए, 478 अच्छी पिक्चर देखो देखा, और 2729 का अर्थ है पिक्चर धुंधली है, हो तो अंक का किस अंक का अर्थ है देखो। तो 101 का रीनिंग से क्वेश्चन है, तो यहाँ देखेंगे 134 अच्छी और स्वादिष्ट के लिए है, अच्छी और स्वादिष्ट के लिए। यहाँ पे जो फोर है अच्छी पिक्चर के लिए, तो अच्छी अच्छी फोर फोर यहाँ पे कॉमन है, और अच्छी अच्छी कॉमन है, तो फोर के लिए तो अच्छी होगी। आफ्टर डेट फिर सेवन देखते हैं, तो सेवन जो है इसमें है तो पिक्चर के लिए दोनों में कॉमन हो गया, तो उसके बाद सेवन क्या है पिक्चर है, तो आठ का अर्थ होगा एट यानी देखो, एट के लिए होगा देखो। 102 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रोज कोड में 6821 और चेयर को 73456 लिखा जाता है, तो सर्च को क्या लिखा जाता है। तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, यानी आर को 6 लिखा जाता है, ओ को 8 लिखा जाता है, एस को 2 लिखा जाता है और ई को 1 लिखा जाता है। वैसे ही सी को 7, एच को 3 और ए को 4, आई को 5 और आर को 6 लिखा जाता है। तो रिसर्च को लिखा जाता है, तो यही वर्ड्स हमने देखेंगे, इस नंबर को हम लोग यूज करके देख लेंगे। तो सर्च के लिए क्या क्या कोड आएगा, तो सर्च के लिए 2146, 2146 73 यानी बी करेक्ट होगा ऑप्शन यहाँ पे। 103, किसी कोड में एयर ग्रीन कहलाता है, ग्रीन ब्लू कहलाता है, ब्लू स्काई कहलाता है, स्काई येलो कहलाता है, तो उसी कोड में क्लियर स्काई का रंग क्या होगा। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, क्लियर स्काई का क्या रंग होगा। क्लियर स्काई का रंग जो होता है वो ब्लू होता है, और ब्लू स्काई कहलाता है, तो यहाँ पे ब्लू जो होता है ब्लू स्काई कहलाता है, तो ब्लू जो होता है यहाँ पे स्काई यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 104 का, अगर जेड को 2197 और आर को 729 हो तो जे का कोड क्या होगा, जे का कोड क्या होगा। 104 ऑप्शन कहता है जेड की, जेड के लिए 2197 है, तो जेड को जो है ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो ऑप्शन आएगा यहाँ पे 729 के लिए कोड हो गया, तो
125, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीके से यह चेन्नई से पौंडीचेरी तक भिन्न भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है? यानी चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीके से यक्ष चेन्नई से पुदुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है? ये भी मैथ के क्वेश्चन है, तो 90 या फिर 100 या फिर 20 या फिर 19, कितने टाइप से आ सकता है? ये चेन्नई से वापस आने का या 90 टाइम्स जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। 106 क्वेश्चन है, 9 अंकों 1 2 3 4 से 9 के 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 से 9 तक यूज करके 6 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 6480, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 106 के बाद 107 हम लोग देखेंगे। जेड को अगर 52 कहा जाता है, जेड को 52 कहते हैं, ACT को 48 कहते हैं, तो बैट किसके बराबर है? तो जेड को कहा जाता है 26, 26 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 52, तो 52 हो गया। वैसे ही सेम जो होगा वो आर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक्ट यानी ACT को 48 कहते हैं, यानी ACT ए का हो गया 1, सी का हो गया 3 और हो गया इसका 20। ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया। तो वैसे ही बैट के लिए बैट का हो गया 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 20, ये हो गया 23। 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 108 है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंके जाने से 7 का योग आने की संभावना कितनी होगी? तो पासा को 2 बार फेंका जाता है तो आने की संभावना जो है 2/7 होगी। तो 2/7, तो 1 माइनस 2/7 अगर करेंगे तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये 1/6, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 109 भी मैथ का ही क्वेश्चन है, एक पेटी में 9 गेंद, 2 लाल हैं, 3 नीली है और 4 काली हैं, तो 3 गेंद निर्देशा निकाले जाने की संभावना क्या है जो सब भिन्न भिन्न रंग की हो? एक्शन नंबर क्वेश्चन है 2/7, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। तो इसके बाद कौन सी आकृति आएगी उसे हमें चयन करके बताना है। इसके बाद जो अतः आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, तो इसके लिए डी आकृति आ सकती है। नेक्स्ट फिर वही रीनी के ही क्वेश्चन है, श्रृंखला में आकृति का चयन करना है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ सकती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 108 का सी होगा, यानी ये आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 112, 12 खिलौनों में से 5 तरीके से चुने जा सकते हैं, अगर एक विशेष खिलौना हमेशा समीप किया जाए तो क्या ऑप्शन होने की संभावना है? ए है, बी है, सी है और डी है, 4 ऑप्शन है, यानी 330, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 113, किस आकृति के युग्म में वही संबंध है जो निम्न में दी गई आकृति में है? 113 का ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सी करेक्ट होगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 13 के बाद नेक्स्ट 114 क्वेश्चन, अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर हो, तो यह योग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 36। 115 क्वेश्चन है, शब्द फिनार्स के कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि शब्द FAINTS में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम से व्यवस्थित किया जाए या लिखा जाए? ऑप्शन है 0, 2, 3 या फिर 1। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा
वो होगा 2 बार, यानी चेंज नहीं हो सकते हैं दो। 116 ऑप्शन देखेंगे। एक आदमी हर एक तस्तरी में मूंगफली रखता है और दूसरी तस्तरी खाली रह जाती है, तो दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है, तब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, तो इसके पास कितनी तस्तरी थी? ऑप्शन है 9, 6, 7 और 13। तो 116 का डी ऑप्शन सही है, यानी 13 तस्तरी उसके पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 117। कौन सी आकृति दो श्रृंखलाओं को सही ढंग से पूरा करती है? दी गई जो श्रृंखला है उसको पूरा करती है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट हो सकता है? तो 117 में आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 का। अगर बी इक्वल टू -50 प्लस -2, ए इक्वल टू -5 का स्क्वायर हो तो सत्य कौन सा हो सकता है? सॉल्व करने पर देखेंगे तो आंसर जो होगा वो ए इक्वल टू बी आ सकता है। ये भी मैथ का ही है। 7 न्यूनतम गुणज जो 7 से 4 शेष भाग में छोड़ दें जब 6, 9, 15 और 18 के वे विभाजित हो जाएं। तो 7 न्यूनतम गुणज जो कि 4 शेष भाग फल में छोड़ दें, तो ये भी मैथ के क्वेश्चन है। अब यहाँ मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो आंसर जो होगा यहाँ पे 364 यानी डी। 120 नंबर क्वेश्चन है। कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं? कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है 12, 16, 24 या फिर 8, यानी 24 तरीके से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 का। अगर वर्क को कोड 4, 12, 9, 16 है तो वुमेन का वर्ड क्या होगा? तो वर्क में W का है 4, O का है 12, R का है 9 और K का है 16। W वुमेन के लिए क्या होगा? तो वुमेन के लिए 4, 12, 6, 9 ऐसे हैं, तो 4, 12 वुमेन के लिए भी W का वो हो जाएगा 4, O का हो गया 12, M का हो गया 14 और A का हो गया 26 और N का हो गया 13। तो उल्टा चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट होगा 4, 12, 14, 26, 13, यानी 4, 12, 14, 26, 13 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कोड चल रहा है दाएं से बाएं, नंबरिंग चल रही है अल्फाबेट की। 122। ड्राइवर को 12 लिखा जाता है और पेडेस्ट्रियन को 20 लिखा जाता है, एक्सीडेंट को 16 लिखा जाता है, तो कार कैसे लिखा जा सकता है? तो आप देखेंगे कि शब्दों के अक्षरों की संख्या और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 6 अक्षर 6 हैं अक्षर, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यहाँ पे 10 अक्षर हैं 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और यहाँ पे 8 हैं तो 8 से 2 से मल्टीप्लाई 16, तो ऐसे ही कार यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। दो बालिग और दो बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य का आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा? 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये या फिर 6 रुपये? तो 123 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 8 रुपये। 123 के बाद 124 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आरोही क्रम में सजाना है इनको, √2, 3√4 या फिर 4√6। आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, तो 2 to the power देखेंगे तो 1/2, 4 पे पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और 6 पे पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये है √2, 2, 6 और ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 125 कहता है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा? अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा? तो 125 का जो आंसर होगा वो है दक्षिण पूर्व बनेगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 126 है।
सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है, तो उसका मुंह किस तरफ है? तो होडोर जो होता है उसकी छाया का मुंह दक्षिण तरफ होगा, यानी उसकी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होगा डी। एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है दाएं मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है दाएं मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, और 15 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है। उसकी अंतिम जगह अपनी आरंभ वाली जगह से है, कितनी दूरी पर है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 127 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 45, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, 128। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, और ए परसेंट बी का मतलब ए बी के पूर्व में, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में हो। तो पी परसेंटेज क्यू, क्यू प्लस आर, आर माइनस एस का अर्थ क्या होगा? तो 128 का जो आंसर होगा, अतः एस क्यू के दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है 129, राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ मुड़ करके 100 मीटर चलता है, तो अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूर है? 80 मीटर, 140 मीटर, 100 मीटर या 260 मीटर? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 100 मीटर, यानी 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पजल का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो पजल जो सॉल्व करेंगे और पढ़ करके क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ। तो आंसर जो होता है वो 130 का जो होगा, आर से क्यू जाने के लिए नौका का प्रयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 31 करता है, सभी शहरें सीधे एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए। 31 जो होता है इसमें से 31 का क्वेश्चन क्या है कि सभी शहर क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 131 का जो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होगा वो होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं 132, ये भी मैथ के लिए ही है। इन संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 32 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ए, ये सही सुमेलित नहीं होता है। तो 132 का करेक्ट आंसर जो हम लोग का हो गया ए हो गया। तो 132 का ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 133, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह गायब है? प्रश्न चिन्ह में कौन सा चिन्ह गायब है, कौन सा चिन्ह गायब? तो दूसरे तीर का जो चिन्ह है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना जाना चाहिए था, जो कि गायब है। तीर का चिन्ह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए था, वही गायब है। तो 133 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, तीर का वाला। 134, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऊपर वाले भी और ये भी, कौन सा चिन्ह गायब है? तो 134 में भी ये सेम आंसर होगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 35, निम्नलिखित अक्षर समूहों में कौन सा सुमेलित नहीं है? 35 में कौन सा अक्षर सुमेलित नहीं है? तो अन्य जो सभी स्वर व्यंजनों के अक्षर से तरह सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी है और डी ऑप्शन है। तो तीज ऑप्शन बिल्कुल ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 136 क्वेश्चन में बी एफ का एच एल से जो संबंध है वह ई आई का किससे संबंध है? तो बी एफ का जो एच एल से है, तो बी में अगर +6 जोड़ेंगे तो एच आता है, और एफ में अगर +6 जोड़ेंगे तो एल आता है। वैसे ही ई में अगर +6 जोड़ेंगे तो के आएगा, और आई में जोड़ेंगे तो ओ आएगा। तो के और ओ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 137 में जो रबर का वृक्ष से संबंध है वही रेशम का संबंध है। तो जिस प्रकार रबर वृक्ष से प्राप्त होता है उसी प्रकार रेशम जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो कीड़ा से प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 है,
3 1/2, 2 1/3, डैश डैश डैश, 42/x/41। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो 7 हो जाएगी। 139 है क्रम 2, 2 1/2, 3/3, चौथी संख्या क्या होगी? फोर्थ संख्या क्या होनी चाहिए? तो 139 में जो फोर्थ संख्या होगी वो होगी 329/32, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 140, ये भी मैथ के लिए ही क्वेश्चन है। 100, 99.5, 98.5, 97, 95, 92.7 की में अगली संख्या क्या होगी, इसके बाद क्या होगी? तो 140 में देखेंगे तो -5, -1, -5 नहीं, -0.5 है, फिर उसके बाद लेस हो रहा है -1, फिर लेस हो रहा है -1.5, फिर लेस हो रहा है -2, फिर लेस हो रहा है -2.5, फिर लेस हो रहा है -3, फिर -3.5। तो इस तरह से जो करेक्ट होगा यहाँ पे वो 86 होगा। अगर इसका अर्थ है ये और इसका अर्थ है ये, या नंबर को इंटरचेंज किया जाता है, तो 7, 4, 6, 9, 8, 5 का अर्थ क्या होगा? ये नंबर को इंटरचेंज किया जा रहा है, और इंटरचेंज करके देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 6, 4, 7, 1, 5, 8, 9, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है ये। 42 है, निम्न में से कौन सा पुनर्विस्थापित होकर अंग्रेजी का एक साक्षर शब्द बना सकता है? तो अगर देखेंगे EJBATC, तो इसका बन सकता है एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है निकृष्ट, तो एब्जेक्ट बन सकता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 43 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में ही है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, जो पश्चिमी चंपारण में सिचुएटेड है। अब देखेंगे 44 क्वेश्चन, तो ये दिया हुआ है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखेंगे जिस तरह से 21 + 52 और +27 मिला के 100 होता है, वैसे ही 22 + 34 + 44 मिलाकर के भी 100 होता है। तो वैसे ही 71 + 16 में मिलने के बाद 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, यानी 13, 13 रखेंगे तो 100 आएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 155 का, कौवा की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां, बी बाएं से दाएं से 9वां अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने कौवे हैं? तो पंक्ति में कुल 23 कौवे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 146, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो 19 + 2, 19 × 2 − 1, यानी 37 है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 47 है, 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे? तो इसके बाद ऐसे आया तो 111, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 148, ए और बी या तो समान आयु के हैं या फिर ए बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं या डी से सी से बड़ा है, बी बड़ा है सी से, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए इज ग्रेटर देन सी होगा, ए बड़ा किससे है? तो सी से, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन देखेंगे, दो मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है, इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा? तो उक्त पाशा मानक पाशा है जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होगा, मानक पाशा है जिसके विपरीत अंकों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पास, निकृष्ट, आसन्न और सन्निकट के समान लक्षण वाला है? हिस्सा है, मूल्य है, समीप है या फिर खुला है, ओपन? तो सबसे जो
सटीक आंसर होगा वो सी यानी समीप होगा, दैट मीन्स 150 का सी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन देखा है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन से ही हमें आइडिया होता है कि अगला एग्जाम जो होने वाला है वो किस तरह से एग्जाम पे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो बिहार एसएससी का जो है रियल एग्जाम जो हुआ था वही एग्जाम का क्वेश्चन है जो 2017 में हुआ था ये। थैंक यू।